लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 7 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। छठे चरण के इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8, दिल्ली की 7 और झारखंड की 4 सीटों पर मतदान जारी है। छठे दौर में कुल 10 करोड़ मतदाता मतदान योग्य हैं। साथ ही इस चरण में 979 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी, मंत्री मेनका गांधी, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनोज तिवारी, कांग्रेस से शीला दीक्षित सहित कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। वहीं चुनाव आयोग ने छठे चरण के लिए 1,13,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए हैं। लोकसभा चुनाव के इस चरण को बीजेपी के लिए कड़ी परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 2014 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 45 सीटें जीती थीं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 8, कांग्रेस को 2 और समाजवादी पार्टी और एलजेपी को 1-1 सीट पर जीत मिली थी। तो आपको बता दें कि अभी तक 40% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। बिहार में 2 बजे तक 35% से ज्यादा तो हरियाणा में 39% मतदान हुआ है, मध्य प्रदेश में 42% मतदान हुआ है। साथ ही उत्तर प्रदेश की बात करें तो 34% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। पश्चिम बंगाल में 55% लोगों ने वोटिंग की है। झारखंड में 47% लोगों ने मतदान किया है। दिल्ली में 33% लोगों ने मतदान किया है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत मतदान जारी है। आपको बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव के तहत 7 चरणों में वोटिंग हो रही है, जिसके तहत छठे चरण के लिए आज मतदान जारी है। 59 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, तो साथ ही 19 मई को अंतिम 7वें चरण में मतदान होगा और 23 मई को मतगणना होगी।